वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह टूरिस्ट इंडिया तो अज गल करांगे कि वीजा होने तो बावजूद भी कई बार एयरलाइन अपन ट्रैवल करन क्यों नहीं दिंदी, की कारण हो सकता है। कई बार देखने दे विच आंदा है दोस्तों कि थोड़ा कैनेडा का वीजा लग्या हुंदा है, थोनू तुसी एयरपोर्ट ते जाने हो, थोड़ा वीजा भी जेन्युइन हुंदा है, थोड़े को टिकट भी जेन्युइन हुंदी है, पर एयरलाइन ही थोनू रोक दिंदी हैगी है। इस तो इलावा यूके का भी केस सामने आया है, बंदे को वीजा सीगा, ओरिजिनल वीजा सी और बंदा जेन्युइन प्रोफाइल का मालक सीगा, बट जो एयरपोर्ट ते गया एयरलाइन ने ट्रैवल करन तो रोक दिता। होर भी कई कंट्रियां की अफवाह फैलती है, जिवें आस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, किस तरह चीज़ हो जाती है। सो क्यों होंदी है और होंदी एक अद्धे बंदे नाल है, कोई हजारां चो एक अद्धे बंदे नाल हो जाती, पर डर सारे जाते हैं कि पता नहीं सानू भी इस मुश्किल का सामना ना करना पवे। सो दोस्तों, ट्रैवल करन तो पहला थोनू कुछ गल्लां दा ध्यान रखना पैंदा हैगा। ट्रैवल करन तो इलावा जो तुसी वीजा अप्लाई करते हो उदों भी थोनू कुछ गल्लां दा ध्यान रखना पैंदा हैगा। एक के थोड़ा कोई फर्जी डाकूमेंट ना लगे, थोड़ी कोई स्टेटमेंट गलत ना हो। कई बार की होंदा है कि अंबैसी जिहड़ा हैगा ना पहला दा वीजा ग्रांट कर दिंदी है, पर बाद च कोई चैक करती है या उहदे कोल किस तरह की कोई इनफॉर्मेशन अपडेट होंदी है, जिस तो ही लगता कि तुसीं बोगस यानी कि फेक डाकूमेंट दिते ने, उदों जिहड़ा थोड़ा वीजा वह इनवैलिड कर दिता जाता है। और इस चीज़ की जिहड़ी अपना इनफॉर्मेशन हैगी है वो एयरलाइन दे इमीग्रेशन आ जाती हैगी है। दोस्तों, जिहड़ी एयरलाइन है वह भी थोड़ा ट्रैवल करन तो रोक सकती हैगी है, क्योंकि कई बार की होंदा है कि कुछ कंट्रीज थोनू पेनल्टी पा देंगे ने, एयरलाइन को पेनल्टी पाते हैं भी जे तुसी किसी गलत क्लाइंट नू लैके आ गए, गलत विजिटर नू लैके आ गए, जिहड़ा वापस ना मुड़दा होवे तां इस चीज़ की पेनल्टी एयरलाइन नू पैंदी है। इस करके एयरलाइन अपने वल्लों एहतियात बरती है, थोड़े पेपरां की जाँच करती हैगी है। जेकर उन्हें लगता है कि तुसी जेन्युइन विजिटर नहीं है तो वह थोनू रोक सकती हैगी। इस करके अपनी पहला तैयारी करके जाओ। सब तो पहला जो वीजा अप्लाई करते हो उदों थोड़े पेपर सही हो, थोड़ा वीजा आ जाता है, थोड़ा पता होना चाहिए कि थोड़े केड़े केड़े पेपर लगे। कई बार एजेंट थोड़े होर पेपर ला देता है बट थोड़ा पता नहीं होता, और कई बार थोड़ा एयरलाइन या इमीग्रेशन कोई सवाल पूछ लेंगे क्योंकि उन्होंने को रिकॉर्ड होंगे, उन्होंने को पूरा थोड़ा जी वीज़ा एप्लीकेशन है एक्सैस कर पावर होंगी हैगी है। सो तुम जो गलत जवाब देने उदों थोड़ा दिक्कत का सामना करना पैदा है। दूजा, कई बार आप भी गलती कर लें, जिवें तुसी किसी भी कंट्री के टूरिस्ट वीजे से जा रहे हो तो थोड़े को रिटर्न टिकट होनी चाहिए है। एक सीगा साडे कोल केस आया, उन्होंने वापस चढ़ने दिता एयरलाइन ने, उन्होंने पूछा भाई भी तू की किया, कहिंदा जी मैंने मेरे रिश्तेदार ने कहा भी तुसी सिंगल वे टिकट कर लो, आन दी टिकट डम्मी कर लो तो थोनू कोई रोकूगा नहीं। बट एयरलाइन इस चीज़ का पता होंगे क्योंकि थोड़ी जिस एयरलाइन जा रहे हो उत्थे पता लग जाता कि थोड़ी टिकट सिंगल या रिटर्न हैगी है ना, वो थोड़ा रोक सकते हैं क्योंकि डाउट हो जाता भी जो बंदा सिंगल टिकट लेके जा रहा उन्हें वापस नहीं आना। सो ऑलवेज तुसी जी हमेशा रिटर्न टिकट लेके जाओ, किसी भी कंट्री जाओ, भावें यूके जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, आस्ट्रेलिया जाओ, अमेरिका जाओ या कनेडा जाओ, थोड़े को टिकट जी है जी वो रिटर्न होनी चाहिए। दूजा, जे तुसी होटल बुकिंग दे जा रहे हो थोड़े को कन्फर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए है। कई बार आप पैसे बचाने के मारे डम्मी होटल बुकिंग लै जाने, उत्थे भी इमीग्रेशन क्योंकि अजकल की है सारा कुछ ऑनलाइन है, मिनटां च चार बटन दब के पता लग जाता है कि थोड़ा होटल बुक हैगा या थोड़ी टिकट जी रिटर्न है या नहीं हैगी। सो टिकट थोड़े को जेन्युइन होवे, रिटर्न टिकट होवे, थोड़ी होटल बुकिंग कन्फर्म होवे। इस तो इलावा जेकर तुसी किसी दी स्पोंसर दे जा रहे हो तो तुहानू स्पोंसर दा नेम पता होवे, उहदा एड्रैस पता जरूर होवे, थोड़े नाल उहदा की रिलेशन हैगा वह पता होवे। प्लस तुसी जदों जाना हैगा दोस्तों तुसी अपनी SOP जरूर रीड करके जानी है, जिहड़ी SOP थोड़े एजेंट ने जो तुहानू वीजा दिता हैगा उदों लाई हैगी है, वो तुहानू पता होना चाहिए कि थोड़ी SOP दे विच उहने की लिखिया हैगा, क्योंकि अजकल बहुत सारियां घटनावां वध गईयां ने कि इत्थों दिल्ली तो बॉम्बे तो इत्थे ट्रैवल नहीं कर दिता जांदा। सारा कुछ जेन्युइन हुंदा, वीजा भी जेन्युइन हुंदा हैगा, थोड़े कोल टिकट भी जेन्युइन हुंदी है, पर थोनू चढ़ने दिता जांदा, थोनू वापस मोड़ दिता जांदा है, ते कुछ टाइम बाद थोड़ा जिहड़ा वीजा हैगा वो जिहड़ा हैगा इनवैलिड कर दिता जांदा, रिजैक्ट कर दिता जांदा हैगा। थोनू कहा की जांदा है कि थोड़े पेपर सही नहीं, तुसी जेकर तुसी कैनेडा का वीजा भी कैनेडा हाई कमिशन नू कॉन्टैक्ट कर लो, यूके या यूके हाई कमिशन नू कॉन्टैक्ट कर लो। सो ये चीज़ां नॉर्मल ने, सो इन्हां तो डरन की लोड़ नहीं हैगी, आपां नू
प्रकॉशन लैन की लोड़ हैगी है, एहतियात वरतन की जरूरत होंगी है। सो तुसी अपने वालों पूरी तैयारी करके जाओ, प्रॉपर होटल बुकिंग लैके जाओ, जिस स्पॉन्सर है स्पॉन्सर का नाम एड्रैस पता हो, रिलेशन पता हो, और थोड़े को प्रॉपर रिटर्न टिकट हो, थोड़ी एस ओ बी थोड़ा पता हो। सो ये चीज़ा जो थोड़े को नहीं दिक्कत का सामना करोगे, थोड़ा ट्रैवल जोड़ा है सही तरीके होएगा और थोनों किसी कोई रोकेगा भी नहीं। सो उम्मीद करता थोड़ी यह वीडियो वधिया लगी होएगी। जेकर मेरी वीडियो वधिया लगती है तो वो तो लाइक तो शेयर करो। जे तुसी पहली बार वीडियो देख रहे हो, थोड़ा वीडियो वधिया लग रही है तो मेरा चैनल सबसक्राइब जरूर करो, बेल का बटन दबाओ तो कि आने वाली हरेक वीडियो सब तो पहला थोड़ा मिल सकते। जो फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कर, इंस्टा पर फॉलो कर, होर वधेरे जानकारी लिए तुम आपका केस डिस्कस करना चाहते हो, केस अप्लाई करना चाहते हो, स्क्रीन पर 3 नंबर तुम गल कर सकते हो। बहुत धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।